जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के वेरी मोस्ट पोजन क्वेश्चन लेके आए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करें, और आप जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट दी जाए आप तक तुरंत पहुँचें। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहला क्वेश्चन है तार मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, तो निम्नांकित में से किस स्थान पर जो है पाया जाता है, तो किस स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर पहले पे आते हैं दायमाबाद, दूसरा ब्रह्मगिरी, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है नासिक। तो किस गांव स्थान पर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दायमाबाद। दायमाबाद में जो है तार मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत काल से संबंध किया जाता है, तो वो दायमाबाद में है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। तो पहला, चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। दूसरा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक धूत मंडल चीन भेजा था। तीसरा, चालुक्य कुलोत्तुंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था। और अगला कौन सा हो जाएगा, नंदवर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृत के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन जो है असत्य है, तो कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन पहला क्या है, चोल एवं सूर्यवंशी को मानते थे, सही। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल की चीन भेजा था, सही। चालुक्य कुलोत्तुंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित है, सही है। तो चौथा क्या है, नंदवर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार को अनिच्छा प्रदर्शन किए थे, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों से पूर्व गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा महावत खां, दूसरा मलिक अंबर, तीसरा हो जाएगा राणा प्रताप, चौथा मलिक कपूर। तो किसने जो है गोरिल्ला युद्ध को जो है पद्धति को जो है प्रयोग किया था, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध को पद्धति को शुरू किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस स्थान से प्रातः अभिलेख से विदित होता है कि नागभट द्वितीय के तुरुस्क तथा सैंधों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला भोपाल, दूसरा जयपुर, तीसरा कन्नौज, चौथा ग्वालियर। तो किस स्थान पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ग्वालियर में जो है नागभट द्वितीय के तुरुस्क तथा सैंधों को पराजित किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सभा, दूसरा सम्मित, तीसरा विश और चौथा हो जाएगा विदत। किसको जो है न्यायालय कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा विदत। विदत को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है न्यायालय कहा जाता था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्त किस कथन से है। तो ऑप्शन नंबर पहला उपनिषद, दूसरा शतपथ ब्राह्मण, तीसरा हो जाएगा वेद और चौथा हो जाएगा उपवेद। तो किससे जो है सूर्योदय नहीं होगा, ये जो कथन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण से जो है संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है नगर नियोजन, दूसरा ईंटों का आकार, तीसरा हो जाएगा बाट एवं नाप प्रणाली, तो चौथा हो जाएगा घरों का आकार। तो किसमें जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता में भिन्नता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, घरों का आकार में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम अणुयुक्त का प्रशिक्षण कब किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है 16 मई 1972 को, दूसरा है 17 मई 1973 को, 18 मई 1974 को और जो है 19 मई 1975 को। कब जो है प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 18 मई 1974 को जो है किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारस ने आने वाली अब्दुल जाक की हम्मी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था।
तो ऑप्शन नंबर पहला है देव राय प्रथम, दूसरा देव राय द्वितीय, और तीसरा हो जाएगा मल्लिकार्जुन, और चौथा हो जाएगा हरिहर प्रथम। तो कौन जो है विजय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का जो है शासक था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा, देव राय द्वितीय। देव राय द्वितीय ने जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति से किससे ग्रहण की थी। तो ऑप्शन पहला अलगानों से, दूसरा उज्बेकों से, तीसरा हो जाएगा वजीरियों से, और चौथा हो जाएगा पठानों से। किसमें जो है बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति से किस ग्रहण किया था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उज्बेकों से जो है ग्रहण किया था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुआंसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कुआंसी नामक राज्य किस मतलब गांव किस गांव जो है किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। ऑप्शन नंबर पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, और चौथा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में जो है कुआंसी नामक गांव किस जो है राज्य में पुरानी सभ्यता से अवशेष मिले हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है मालती माधवा नाटक, दूसरा पंचतंत्र दंत कथा, तीसरा हो जाएगा मालकाभिनी मित्रम जीवन चरित, और चौथा हो जाएगा पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्री। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम जीवन चरित्र जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत है। तो ऑप्शन नंबर पहला है पंजाब राजस्थान गुजरात, पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान दिल्ली, गुजरात हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर जो है हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता का निम्नलिखित में से प्रदेशों में केंद्रित नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, पंजाब राजस्थान और गुजरात में जो है प्रदेशों में केंद्रीभूत नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयुंग का उल्लेख प्राप्त हुआ है, वह यह बौद्ध ग्रंथों की खोज में प्राप्त आया था जिसके साथ आने का समय क्या था। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1518, दूसरा हो जाएगा 629, तीसरा हो जाएगा 642, चौथा हो जाएगा 1817। तो किस समय जो हुआ था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 518 को जो है चीनी यात्रियों ने भ्रमण की श्रृंखला में सुंग का उल्लेख प्राप्त किया था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, धन्यवाद, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, इसे अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। तो पहला चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, दूसरा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक धूत मंडल चीन भेजा था, तीसरा चालुक्य कुलोत्तुंग मातृपृच्छ से चोलों से संबंधित था, और अगला कौन सा हो जाएगा, नंदवर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृत के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन जो है असत्य है, तो कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन पहला क्या है, चोल एवं सूर्यवंशी को मानते थे, सही, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल की चीन भेजा था, सही, चालुक्य कुलोत्तुंग मातृपृच्छ से चोलों से संबंधित है, सही है, तो चौथा क्या है, नंदवर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार को अनिच्छा प्रदर्शन किए थे, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन है, मराठों से पूर्व गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा महावत खां, दूसरा मलिक अंबर, तीसरा हो जाएगा राणा प्रताप, चौथा मलिक कपूर। तो किसने जो है गोरिल्ला युद्ध को जो है पद्धति को जो है प्रयोग किया था, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध को पद्धति को शुरू किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस स्थान से प्रातः अभिलेख से विदित होता है कि नागभट द्वितीय के तुरुस्क तथा सैंधों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला भोपाल, दूसरा जयपुर, तीसरा कन्नौज, चौथा ग्वालियर। तो किस स्थान पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ग्वालियर में जो है नागभट द्वितीय के तुरुस्क तथा सैंधों को पराजित किया था।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सभा, दूसरा सम्मित, तीसरा विस और चौथा हो जाएगा विदत। किसको जो है न्यायालय कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा विदत। विदत को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है न्यायालय कहा जाता था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन है, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्त किस कथन से है? तो ऑप्शन नंबर पहला उपनिषद, दूसरा शतपथ ब्राह्मण, तीसरा हो जाएगा वेद और चौथा हो जाएगा उपवेद। तो किससे जो है सूर्योदय नहीं होगा, ये जो कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से जो है संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? तो ऑप्शन में पहला है नगर नियोजन, दूसरा ईंटों का आकार, तीसरा हो जाएगा बाट एवं नाप प्रणाली, तो चौथा हो जाएगा घरों का आकार। तो किसमें जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा घरों का आकार में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम अणुयुक्त का प्रशिक्षण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला है 16 मई 1972 को, दूसरा है 17 मई 1973 को, 18 मई 1974 को और जो है 19 मई 1975 को। कब जो है प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा 18 मई 1974 को जो है किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारस ने आने वाली अब्दुल जाक की हम्मी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर पहला है देव राय प्रथम, दूसरा देव राय द्वितीय और तीसरा हो जाएगा मल्लिकार्जुन और चौथा हो जाएगा हरिहर प्रथम। तो कौन जो है विजय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का जो है शासक था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा, देव राय द्वितीय। देव राय द्वितीय ने जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति से किससे ग्रहण की थी? तो ऑप्शन पहला अलगानों से, दूसरा उज्बेकों से, तीसरा हो जाएगा वजीरियों से और चौथा हो जाएगा पठानों से। किसमें जो है बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति से किस ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा उज्बेकों से जो है ग्रहण किया था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुआंसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुआंसी नामक राज्य किस मतलब गांव किस गांव जो है किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? ऑप्शन नंबर पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में जो है कुआंसी नामक गाँव किस जो है राज्य में पुरानी सभ्यता से अवशेष मिले हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है मालती माधवा नाटक, दूसरा पंचतंत्र दंत कथा, तीसरा हो जाएगा मालकाभिनी मित्रम जीवन चरित और चौथा हो जाएगा पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्री। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम जीवन चरित्र जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत है? तो ऑप्शन नंबर पहला है पंजाब राजस्थान गुजरात, पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान दिल्ली, गुजरात हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर जो है हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता का निम्नलिखित में से प्रदेशों में केंद्रित नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, पंजाब राजस्थान और गुजरात में जो है प्रदेशों में केंद्रीभूत नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयुंग का उल्लेख प्राप्त हुआ है, वह यह बौद्ध ग्रंथों की खोज में प्राप्त आया था जिसके साथ आने का समय क्या था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1518, दूसरा हो जाएगा 629, तीसरा हो जाएगा 642, चौथा हो जाएगा 1817। तो किस समय जो हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 518 को जो है चीनी यात्रियों ने भ्रमण की श्रृंखला में सुंग का उल्लेख प्राप्त किया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।